आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज, मैं हूं नम्रता। चलिए करते हैं आज की ताज़ा खबरों की शुरुआत। कल 17/10/2020 की शाम को लगभग 7 बजे एक कालरी कर्मचारी मोहम्मद सलामत खान व उनका परिवार टू व्हीलर मोटरसाइकिल से शहडोल से पाली की ओर आ रहे थे, तभी गुनगुटी के पास उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे मोहम्मद सलामत खान का 3 वर्षीय पुत्र की मौत हो गई एवं मोहम्मद सलामत व उनकी पत्नी को जिला अस्पताल शहडोल में भर्ती कराया गया है। मोहम्मद सलामत खान पाली प्रोजेक्ट SECL में जनरल मजदूर के पद पर कार्यरत है। सर, मेरा नाम है मोहम्मद कादिर खान, मैं आर्मी से रिटायर हूँ। अच्छा। और मैं यहाँ भूतपुर सैनिकों का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और मेरा भाई यहाँ से ड्यूटी जा रहा था, नाइट ड्यूटी थी। कहाँ ड्यूटी करते हैं, किस मंच में? यहाँ पर जो पाली प्रोजेक्ट है। अच्छा। वहाँ ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी से जाने के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया हुआ हमारे। अच्छा, कौन सी गाड़ी से थे? टू व्हीलर में थे। ठीक। पाली नौरोजाबाद प्रबंधन के अंतर्गत आने वाले SECL की डिस्पेंसरी वाली नौरोजाबाद के कर्मचारी रिफर डॉक्यूमेंट तैयार नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से अपोलो बिलासपुर वाले डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं, साथ ही इलाज का पैसा ले रहे हैं। वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया तो बच्चे को गंभीर चोट लगा, भाई को गंभीर चोट लगी हुई है, उनकी मैडम को भी, हमारी जो बहू है जी, उनको भी गंभीर चोट लगा हुआ है जी। जी। मगर उनका आज दूसरा दिन है सर, कोई इलाज नहीं हो रहा है। तुरंत ला के जिला अस्पताल शहडोल भर्ती किए थे आप? हाँ, भर्ती किया, उसके बाद रेफर किए हैं, तो न यहाँ से कोई डॉक्टर गया, यहाँ से रेफर अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर के लिए किया गया। मतलब हायर रहता है ना, पीछे हायर हॉस्पिटल कहीं मिले जा सकते। हाँ, तो अपोलो में जैसे गया, अपोलो हम लेके गए, गाड़ी कर्मचारी है, गाड़ी कर्मचारी है, तो वजह से हमने अपोलो लेके गए। तो अपोलो में अपोलो वालों अभी चक्कर कटा रहे हैं कि कागज लाओ, वहाँ से रेफर लाओ। तो क्या अभी जो पाली प्रोजेक्ट में डिस्पेंसरी है कालरी का, वो बोल रहा है कि हाँ आप चले जाओ, हमारा नाम बता देना, कोई नेता है वहाँ पर, तो उसके चक्कर में पड़ के आज का दिन खराब हो गया। कहाँ नेता है? अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में। यहाँ यहाँ पाली प्रोजेक्ट में है। अच्छा। घनश्याम नाम है शायद। अच्छा अच्छा। तो वो बोला कि आप जाइए वहाँ पर, हो जाएगा, हमारा नाम बता दें। अक्सर यह देखा जाता है कि SECL कंपनी की पॉलिसी है कि कंपनी का कोई भी एम्प्लॉई कॉलरी में कार्यरत है और कार्यरत रहने के समय पर उसके या उसके अधीनस्थ परिवार वालों को किसी भी प्रकार के इलाज की जरूरत हो तो उसका इलाज कॉलरी अस्पताल में होगा। यदि उस कर्मचारी को उच्च स्तरीय इलाज की जरूरत होगी तो उसे SECL प्रशासन द्वारा बड़े से बड़ी हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। लेकिन जानने वाली बात यह है कि इतनी इमरजेंसी होने पर भी यह बाबू जो कि कलरी कर्मचारी के लिए ही बैठाए गए हैं, या तो इनमें मानवता ही नहीं बची है या तो यह काम ही नहीं करना चाहते। इतना होने के बावजूद भी कोई भी अधिकारी इन पर कड़ी कार्यवाही क्यों नहीं करता? कई बार इनकी शिकायत भी हो चुकी है लेकिन इन शिकायतों पर अधिकारी ध्यान ही नहीं देते हैं। नाम बताने से इलाज हो जाता तो सब देश हमारे डॉक्यूमेंट क्या बाई हैंड नहीं दे रहे हैं? वो डॉक्यूमेंट भी बना नहीं रहा सर, नाटकबाजी कर रहे हैं, आज नहीं कल, अभी रुक जाओ, थोड़ा दूर रुक जाओ। तो आप बोल रहे हैं जब पेशेंट मर जाएगा तब बनाएंगे क्या? हम सर पूरा सीरियस है, हमारा भाई वहाँ ICU में एडमिट है। अच्छा। और उसका अभी हम 30,000 रुपया वहाँ जमा करा चुके हैं। अच्छा। उसके बाद अभी ऑपरेशन का 35,000 रुपये मांग रहे हैं। अच्छा। और जबकि ऑन एम्प्लाई है वहाँ पर, SECL कर्मचारी हो तो SECL ही इलाज करते हैं, उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सर। अच्छा। अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले में क्या कार्यवाही होती है। अब हम चाह रहे हैं कि सर आपके द्वारा कुछ इनको मैसेज मिले कि जी जी ठीक है, हम आपकी आवाज़ हमें लेकर ऊपर तक उठाएंगे। हमारी बहू का हाथ टूटा हुआ है।